अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपसे सन प्रो 80 सन ब्लॉक क्रीम जो है इसके बारे में अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो 3 से 4 दिन मैंने इसको यूज़ किया है और आज मैं आपसे फिर इसका मैंने कहा रिव्यू शेयर करूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें केमिकल इन्ग्रीडियंट्स भी हैं और इसमें जिंक ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है। तो जो ये एथल हेक्सल है ये एक केमिकल है और जो जिंक है ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। जिंक ऑक्साइड के बाद इसके अंदर है ऑक्टोक्रिलिन भी जो है एक केमिकल इंग्रेडिएंट है और ये जो है आपकी स्किन में सन रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उनको ख़त्म करता है। तो बेसिकली ये एक केमिकल सनस्क्रीन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं यूवीए और यूवीबी सन रेज से। तो इसमें जिंक ऑक्साइड है, ये प्लस पॉइंट है इसका, और उसमें क्वांटिटी भी सेकंड नंबर पर है, इसका मतलब अच्छी खासी होगी। अगर आप अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो आप प्रेफर करें कि आप जो है फिज़िकल सनस्क्रीन लें, ठीक है, केमिकल सनस्क्रीन ना लें, उनको अवॉइड करें, क्योंकि जितना भी हमें केमिकल्स से बचें उतना अच्छा होता है। और वैसे भी जो केमिकल सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन के अंदर जो है रेस को यूवीए और यूवीबी रेस को अंदर जाने देती है और उसके बाद उनको जो है डीएक्टिव करती है। लेकिन जो फिज़िकल सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन पर एक शील्ड बना देती है जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो है सन रेज एंटर नहीं होती और वो बाहर ही से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेती है जो है फिज़िकल सनस्क्रीन। तो प्रेफर ऑलवेज़ फिज़िकल सनस्क्रीन ताकि आपकी स्किन के अंदर रेज जाएँ ही ना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते क्योंकि वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो है केमिकल सनस्क्रीन से एक्सपेंसिव होती हैं कि, तो बहरहाल सनस्क्रीन तो मस्ट है, एसपीएफ को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते अपनी डे के रूटीन में। जौन सी सनस्क्रीन भी आपको अवेलेबल है और आपको सूट करती है वो आप लाजमी अप्लाई करें। तो जी, ये जो सन प्रो सन ब्लॉक क्रीम है इसके अंदर इन्होंने क्लेम्स किया हुआ है कि इसमें एसपीएफ 50 है और इन्होंने कहा है कि इसमें परफ्यूम नहीं है और ये पैराबिन्स फ्री है, ठीक है, नॉन ग्रीसी है और फोटो स्टेबल है, नॉन कमोडोजेनिक है। लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके पोर्स को क्लॉक कर सकते हैं और इसके अलावा नॉन ग्रीसी तो ये है। इन्होंने कहा है कि इसमें परफ्यूम नहीं है लेकिन इसके अंदर परफ्यूम है। आई डोंट नो वो किस इंग्रेडिएंट में है, किसी इंग्रेडिएंट की काफ़ी ज़्यादा स्मेल है और वो आपकी स्किन को इरीटेट कर सकती है। लेकिन खैर, इन्होंने लिखा है, यहाँ मैंशन किया है कि इसमें नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें मैच तो नहीं करती। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई सन प्रो 80 ओवर द एंटायर फेस, नेक, अदर एक्सपोज्ड एरिया एट लीस्ट 20 to 30 minutes बिफोर सन एक्सपोजर। रीअप्लाई आफ्टर एक्सेसिव स्वेटिंग, इंटेंस एक्सरसाइज और प्रोलॉन्ग स्विमिंग। भी आप अगर केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा पहले उसको अप्लाई करना होता है ताकि वो आपकी स्किन के अंदर जाके एक्टिव हो जाए और आपको जो है सन रेज से प्रोटेक्ट कर सके। जबकि जो फिज़िकल सनस्क्रीन है उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, वो जस्ट आप अप्लाई करते हैं और आप रेडी टू गो हैं, फौरन ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सन रेज से। और इसके अलावा बात की जाए इसके टेक्सचर की तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, क्या ये वाइट कॉस्ट करता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है। लेकिन एक इसका बहुत ज़्यादा मसला है कि जब इसको आप अपनी स्किन पर ज़्यादा रब करेंगे तो ये पील ऑफ होने लग जाएगी। इसको जब लगे हुए थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो बिल्कुल आपकी स्किन के साथ ये मैच करने लग जाता है, बिल्कुल नॉर्मल लुक आने लग जाता है थोड़ी देर लगाने के बाद। इस सनस्क्रीन का ये मसला मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा कि ये पील ऑफ होने लगता है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ना इसको ज़्यादा रब नहीं किया था ताकि आपको मैं दिखा दूँ कैमरे में कि ये पील ऑफ होती है। देख रहे हैं आप, हैंड पे मैंने किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया और ये पील ऑफ फिर भी हो रही है। देखिए, हमने स्किन के रूटीन में डे टाइम में जो है अपने फेस पर सीरम भी अप्लाई करना होता है, मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना होता है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा पील ऑफ करेगा। मैंने अपने हैंड्स पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था और फिर भी आप देख लें कि कितना ज़्यादा पील ऑफ हो रही है। तो इसको मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में अप्लाई किया था उसके बावजूद ये पील ऑफ हो रही है। और सनस्क्रीन तो लगानी भी हमने काफ़ी ज़्यादा होती है अपने फेस पर, कम से कम इतनी तो हो कि आपकी स्किन को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सके। ये देख रहे हैं आप, पील ऑफ हो रही है। तो इसका टेक्सचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लगने के बाद जो है ये देखें पील ऑफ होने लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग होती है। ठीक है, समर सीज़न है, स्वेटिंग काफ़ी होती है, इसको लगाने के बाद भी स्वेटिंग होती है
और इसको लिखा भी हुआ है कि जब स्वेटिंग ज़्यादा हो तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। रिकमेंडेशन की बात करें तो मुझे ये सनस्क्रीन नहीं पसंद आई, लेकिन अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस इस सनस्क्रीन के साथ अच्छा रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि आप प्रेफर करें ओजे ऑर्गेनिक्स की जो है मिनरल सनस्क्रीन, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आपने केमिकल सनस्क्रीन ही बाय करनी है तो आप जो है यू व्हील यूज़ कर सकते हैं, और जैन फार्मा की भी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी हैं और वो मैंने यूज़ भी की हुई है और वो पील ऑफ भी नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी न्यू वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।